नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अंतरिक्ष के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। हम सब एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में रहते हैं जिसके बारे में हम बहुत कम ही चीजें जानते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद चीजें हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। इसी कारण प्राचीन काल में ही अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्यों के बारे में पता लगाया था। फिर इंसान ने धीरे धीरे विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष में भी जाना शुरू किया। तब इसके बाद अंतरिक्ष से संबंधित कई अन्य रहस्य का पता चला। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर एक, एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में खोजा है कि पृथ्वी के पास एक दूसरा मन है और यह हमारे ग्रह के साथ 100 BC के चक्कर लगा रहा है, जिसे 2023 FW 13 के नाम से जाना जाता है। इसे हाल ही में ही खोजा गया है और इसका ऑर्बिट बड़ा होता चला जा रहा है और मंगल के लिए आधा रास्ता और शुक्र के लिए आधा रास्ता तय करता है। लेकिन मन की ही तरह यह हमारे साथ नहीं रहने वाला है। यह 2100 साल पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में फंस गया था और इसे 3700 ईसा पूर्व में पृथ्वी के चक्कर से बाहर निकलने की उम्मीद है। इस रॉड का केवल 65 फीट डायामीटर होने के कारण इसे हमारे चंद्रमा के साथ जोड़ना कठिन है, लेकिन यह हमारे ग्रह का चक्कर लगाता है और एक चंद्रमा के रूप में कार्य करता है। नंबर दो, मंगल एक समय में एक वेट ग्रह था जिसकी सतह पर तरल पानी की झीलें थी और इसके बारे में बहुत सारे सबूत हैं। इन सबूतों में प्राचीन नदी की घाटी, पानी के बर्फ से भरे गड्ढे, पानी में बनने वाले खनिज और गर्म मौसम के दौरान मंगल की सतह पर दिखाई देने वाली गहरी धाराएं शामिल हैं। ये सबूत स्पष्ट है कि मंगल पर एक समय पानी होता था, लेकिन ये नहीं है कि वो कब और क्यों लुप्त हुआ। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल की जलवायु बदल गई और पानी खो गया। ये खोज मंगल पर जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नंबर तीन, वैज्ञानिक इस बात की बेहतर समझ के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, यानी वो घटनाएं क्या थी जिनके कारण जीवन की शुरुआत करने वाली रासायनिक क्रियाएं हुई। पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ माना जाता है। अपने बाल्यकाल में पृथ्वी पर उल्कापिंडों, धूमकेतुओं और अन्य पिंडों की बारिश होती रहती थी। यहाँ जीवन की शुरुआत माइक्रोब्स के रूप में शुरू हुई थी जो समुद्र में जन्मे थे। उनकी आयु 3.5 अरब साल आंकी गई है, जो पृथ्वी पर जीवन का पहला संकेत है। नंबर चार, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे ने 2014 में एक नेबुला की तस्वीर ली। इसका नाम रखा गया हैंड ऑफ गॉड। भगवान के हाथ की तरह दिखता यह नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। विज्ञान की भाषा में इसे पल्सर विंड नेबुला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भगवान शिव का हाथ माना था। इसी तरह 2017 में नासा के हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों को समूह दिखाई दिए। ये त्रिशूल की तरह दिख रहा था। उस समय भी नासा की इस तस्वीर को भगवान शिव का त्रिशूल कहकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। नंबर पांच, अंतरिक्ष का आकर्षण अपनी जगह है और वहां होने के खतरे अपनी जगह। अंतरिक्ष का वातावरण मानव शरीर के लिए काफी मुश्किल होता है। माइक्रोग्रेविटी के हालात और अन्य कई चीजें शरीर पर बुरा असर डालती हैं। इनमें मस्तिष्क भी शामिल है। नासा ने मानव मस्तिष्क पर अंतरिक्षीय वातावरण के असर को समझने के लिए एक अध्ययन किया है। नासा के विशेषज्ञों ने कहा कि जो अंतरिक्ष यात्री 6 महीने से ज्यादा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या नासा स्पेस शटल पर रहे हैं, उनके मस्तिष्क के बीच के हिस्से में फैलाव पाया गया। इस आधार पर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अंतरिक्ष यात्राओं के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।